أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो FTA 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का जो हमारा GDB नंबर 1 आया हुआ है फॉर द सेमेस्टर ऑफ स्प्रिंग 2020 उस हवाले से है। दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने दो नए YouTube चैनल शुरू किए हैं, जिसमें एक 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसके ऊपर मेरे अपने 15 सब्जेक्ट से वाइड के लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने आपकी सहूलत के लिए रखे हैं। तो आप उस चैनल को ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों दूसरा जो मेरा चैनल है वो की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर मैंने आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से काफ़ी अच्छा मटेरियल तैयार करके रखा है, जो आपको बहुत कम वक्त के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करने में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों इन दोनों चैनल्स के जो URL हैं वो आपको बॉटम के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हैं, तो आप इन चैनल्स पर ज़रूर जाएँ और इनको सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स मैं बार बार फोकस मतलब इसी चीज़ पे करता हूँ और मेरी समझ लें की टू सक्सेस भी यही है कि मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से देखता हूँ और फिर जो है उसका सोल्यूशन तैयार करता हूँ। दोस्तों इसमें हमें जो है कहा गया है यूज़ द डेटा सेट टू क्रिएट द स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले, हमने जो है स्टीम लीफ डिस्प्ले दिखाना है। उसके साथ ही ऑल्सो कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू फ्रॉम द डिस्प्ले, और वो जो हमने डिस्प्ले दिखाया है उसमें से हमने मॉडल वैल्यू को जो है वो अलग करके दिखाना है। ये इस GDP की रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट हैं, एक स्टीम लीफ डिस्प्ले और दूसरा मॉडल वैल्यू। अब इसके अंदर हमें जो है वो एक सीरीज ऑफ नंबर दिया गया है, जिसमें 37, 33, 33, 32, 29, 28, 28, 23, 22, 22, 22, 21, 21, 21, 20, 20, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 14, 14, 14, 12, 12, 9 और 6 तक हमें नंबर दिए गए हैं। दोस्तों विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर वी हैव टू क्रिएट द स्टीम लीफ डिस्प्ले एंड वी हैव ऑल्सो कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू ऑफ दैट डिस्प्ले, ये हमने इसका करके दिखाना है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में भी आपको सबसे पहले वही नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि स्टीम और लीफ होता बेसिकली क्या है। दोस्तों आप लोगों ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये तो सब दोस्तों ने ऑलमोस्ट सुना भी है, पढ़ा भी है और लिखा भी है, और ये सारी चीज़ें हमने की हैं। दोस्तों स्टीम से मुराद वो वैल्यू है जो आपकी बिल्कुल, अगर हम जो है दहाई की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द 10, 11, 12, 13, तो इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है दैट इज नोन एज द स्टीम एंड द सेकंड नंबर इज नोन एज द लीफ। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 100, अगर हम सैकड़े की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा स्टीम होगा और बाकी वाले जो नंबर होंगे वो लीफ होंगे। मैं कहता हूँ जी 235। अब देखें हमने बात की है सैकड़ों के अंदर, ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो 2 है ये आपका स्टीम बन जाएगा और सेकंड वाला 3 और 5 जो है ये आपका लीफ बन जाएगा। इसी तरह आपको अगर मैं दहाई के ऊपर लेकर आऊं, दो नंबर्स के ऊपर लेकर आऊं और मैं ये कहता हूं जी 30, अब 30 में देखें जो 3 है वो आपका स्टीम बन जाएगा और जो 0 है वो आपका लीफ बन जाएगा। अब दोस्तों मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टीम क्या होता है और लीफ क्या होता है। जब तक आपको इसका नहीं पता चलेगा तो आप इस GDB को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने है सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को देखना है, उसका स्टीम आइडेंटिफाई करना है, फिर बड़ी वैल्यू का स्टीम आइडेंटिफाई करना है। तो हम जो है स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखें 9 और 6 जो है हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब जब कोई ऐसी वैल्यू आ जाए
जो अकेली हो, जैसे अभी यहाँ पे 9 भी दिया गया है और 6 भी दिया गया है, यहाँ पे 4 या 3 या 2 कोई भी आ जाता और वो अकेला नंबर होता, तो उस वक्त दोस्तों हम जो टीम कंसीडर करते हैं वो हम 0 को कंसीडर कर लेते हैं, और बाकी जो आपके नंबर हैं उनको हम जो है वो लीफ कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और आपको एक जो है कॉलम नुमा टेबल नजर आ रहा है, जिसकी एक साइड के ऊपर आपको टीम और दूसरी साइड के ऊपर आपको लीफ नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहला जो आपका स्टीम है वो है 0। अब ये 0 आपको बखूबी पता चल गया होगा कि 0 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारी इस सीरीज के अंदर 2 नंबर ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, उनके साथ स्टीम नहीं है, तो जिसके साथ स्टीम नहीं होता वो उसके साथ हम 0 लगा लेते हैं। तो अब लीफ के अंदर आते हैं, तो लीफ में देखें हमारे पास सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 9 है, तो हमने यहाँ पे लीफ में 9 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो टीम है वो आगे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो अब 0 से जो है वो 1 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे साथ 1 वाले कौन से फिगर हैं, तो अब सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 19 है, तो 1 जो है वो हमने एज अ टीम ले लिया है, तो 9 जो है वो एज अ लीफ ले लेंगे। इसके बाद फिर 19 है, तो 1 जो है वो टीम आ गया और 9 जो है वो लीफ आ गया। इसके बाद 18 है, तो 18 में भी 1 आपका स्टीम और 8 जो है वो आपका लीफ आ गया। फिर 18 है, वही तरीकेकार है, 8 आपका लीफ, 1 जो है स्टीम, 18 है, 8 आपका लीफ, 1 जो है स्टीम, फिर 18 है, 8 आपका लीफ, 1 स्टीम। उसके बाद आपका 16 है, तो 16 के अंदर 1 आपका जो है वो स्टीम आ जाएगा और 6 जो है वो आपका लीफ आ जाएगा। 15 है, 5 आपका लीफ, 1 स्टीम। 14 है, 4 आपका जो है लीफ और 1 जो है आपका स्टीम बन जाएगा। इसी तरह फिर 2 टाइम 14 है, तो हम 4 और 4 जो है वो आपका लीफ ले लेंगे और 1 जो है वो आपका स्टीम बन जाएगा। फिर आपके पास 12 है, 2 जो है वो लीफ है और 1 जो है वो आपका स्टीम है, और इसी तरह फिर 12 है, तो आपका 2 जो है वो लीफ और 1 जो है स्टीम है। आप देखें 2 1 वाली मतलब आपकी दहाई वाली जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो गई। अब आगे हम तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं, दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो आपका स्टीम बन जाएगा और बाकी की जो इसके आगे वैल्यूज होंगी वो आपकी लीफ होंगी। अब ये आपका 29 से स्टार्ट होता है, तो 9 आपका लीफ, 2 जो है आपका स्टीम, 8 आपका लीफ, 2 स्टीम, 8 आपका लीफ, 2 स्टीम, 3 आपका लीफ, 2 स्टीम, 2 आपका लीफ और फिर 2 स्टीम, फिर आगे 3 टाइम 2 है, तो हम 2 लिखेंगे और 2 ही आपका स्टीम होगा। इसी तरह 21 है, वो भी 3 टाइम है, तो 1 1 1 आपका लीफ होगा और 2 जो है आपका स्टीम बन जाएगा। इसके बाद 20 है, वो 2 टाइम है, तो 0 0 जो है आपका स्टीम लीफ बन जाएगा और 2 जो है वो आपका स्टीम बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे आपके नंबर आते हैं 3 वाले, तो अब इस 3 की कैटेगरी के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्टीम। स्टीम जो है वो हमारे पास 3 है और आगे जो लीफ है वो हमारे पास देखें सबसे पहला जो नंबर है वो 37 है, तो इसमें से 3 जो है आपके पास एज अ स्टीम आ गया, 7 जो है आपके पास लीफ आ गया। 33 है, तो 3 आपके पास लीफ है और 3 ही स्टीम है। फिर 33 है, तो आपका 3 जो है वो लीफ है और 3 है आपका स्टीम है। फिर आपके पास 32 है, तो 2 आपका जो है वो लीफ है और 3 जो है आपका स्टीम है। इस तरीके से आप दोस्तों ये स्टीम और लीफ का जो मॉडल है वो ड्रा कर सकते हो। उसमें आपने सबसे पहले स्टीम की वैल्यूज लेनी है, 0 1 2 3 ऐसे ही चलते चले जाना है और 7 तक ये वैल्यूज आपकी चली चली जाती हैं। इसके बाद आपने लीफ को लेना है, लीफ में हमने सबसे पहले वो वैल्यूज ली जो इंडिविजुअल हैं, 9 और 6। उसके साथ 1 के लिए हमने ली 9 9 8 8 8 8 6 5 4 4 4 2 2 को, और 2 के लिए हमने 9 8 8 3 2 2 2 1 1 1 0 0, और 3 के लिए हमने लिया 7 3 3 2। तो इस तरीके से आपका ये स्टीम लीफ मॉडल तैयार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी इफ की सेकंड रिक्वायरमेंट थी जीडीबी की, वो ये थी कि आपने मॉडल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये मॉडल वैल्यू आपकी होती है जो मोस्ट आपकी रिपीटेड वैल्यू हो इन द गिवन सीरीज, वो आपकी मॉडल होती है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 6 को देखें तो 6 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है, 12 आपका 2 टाइम है, 14 आपका 3 टाइम है,
15 आपका वन टाइम है, 16 आपका वन टाइम है, 18 जो है एक ऐसा नंबर है जो आपका फोर टाइम है, 19 टू टाइम है, 20 भी टू टाइम है, 21 थ्री टाइम है, 22 थ्री टाइम है, 23 वन टाइम है, ये टू टाइम है, ये भी वन टाइम और बाकी सारे आपके नंबर वन टाइम है। तो इसलिए 18 एक ऐसा नंबर है जो आपका बार बार इस सीरीज ऑफ नंबर के अंदर रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा GDB, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया जो है इसको सॉल्व करने का मिल गया होगा। आखिर में मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर जाइए, वहां पे मेरे कोई 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं और की टू सक्सेस के ऊपर भी जाएं ताकि आप अच्छे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं इंशाल्लाह आपका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दूंगा। और मेरा चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर जो असाइनमेंट सोल्यूशन की वीडियो है, हर GDB सोल्यूशन की वीडियो है, वो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDB सोल्यूशन के साथ या किसी क्विज के सोल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।